तो दोस्तों शिवानी कुमारी को हराने के लिए आखिर 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए का कौन जुआ, कौन सट्टा खेल रहा है, और ये सट्टा, ये जुआ शिवानी पर ही क्यों लगाया जा रहा है, और कौन है जो शिवानी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, जबकि उनका तो भाई शिवानी ने कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूस, मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें दोस्तों कि ये इस बार के बिग बॉस में शिवानी कुमारी एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि भाई अपने आप को ठेठ देसी भी कह रही हैं, लेकिन इसी के चलते बाहर इनको बहुत सारे लोग हेट भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बताऊं तो एक ऐसा ही नाम है जो कि भाई बिग बॉस में आने वाले थे, लेकिन अंत समय पे इनकी जगह किसी और ने ले ली और इनका पत्ता कट गया। आप जो समझ रहे हैं वही नाम है, मैं बात कर रहा हूं मैक्सटन की। मैक्सटन देखिए भाई, उनको ना पता नहीं क्यों, लेकिन आदत है कि इसको पोक करो उसको पोक करो, जब तक सामने उनको कोई एल्विस जैसा मिल नहीं जाता तब तक भाई पोक करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, और कोई एल्विस जैसा मिल जाए तो भाई शांत भी हो जाते हैं अपने आप। लेकिन फिलहाल आपको मैं बताऊं तो मैक्सटन का ट्वीट आया है, आप देख सकते हो ये ट्वीट है। मैक्सटन लिखते हैं, इफ शिवानी कुमारी रीचेस टू टॉप 3 आई विल पे हर 2,50,000 विदाउट आस्किंग। और भाई साहब ये क्या लेवल, आप समझ रहे हो, मतलब मैक्सटन का ये कहना है कि अगर शिवानी कुमारी टॉप 3 में आती हैं तो मैक्सटन उनको 2.5 लाख रुपए दे देंगे बिना कुछ बोले बिना पूछे। और उसी के नीचे एक ट्वीट पे मैक्सटन रिप्लाई करते हैं, और फर्स्ट वीक में एलिमिनेट हो गए शिवानी, तो जिसके बाद मैक्सटन लिखते हैं तो दया करके 111 रुपए दे दूंगा। भाई मैक्सटन का असलियत में अगर देखा जाए तो मैक्सटन की जगह चंद्रिका गेरा ने ली, चंद्रिका गेरा दीक्षित वायरल बड़ा पाव गर्ल ने ली, लेकिन वो अपनी थोड़ी सी दुश्मनी कह लीजिए वो निकाल रहे हैं शिवानी कुमारी से। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है दोस्तों जरूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।